नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बिहार के पहुंचने के बारे में। बिहार की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सभी पांचों लीग मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। गौरतलब है कि बिहार की टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई है। अपने पांचवें मुकाबले में बिहार की टीम ने मिजोरम को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर बिहार ने मिजोरम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और अपनी सधी हुई गेंदबाजी से मिजोरम की टीम को बांध कर रखा। मिजोरम के बल्लेबाज कभी भी खुलकर नहीं खेल पाए और 20 ओवर में महज 83 रनों की पारी ही खेलने में कामयाब रहे। बिहार की तरफ से कप्तान और बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज आशुतोष अमन ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में मात्र 9 रन देकर 4 विकेट झटके। लेग स्पिनर समर कादरी ने 2 विकेट लिए। जीत के लिए 84 रनों का पीछा करते हुए बिहार की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दोनों सलामी बल्लेबाज जल्द आउट हो गए, मगर बाबुल कुमार ने नाबाद 37 रनों की बदौलत बिहार ने मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही अपने 5 मुकाबले जीतकर 20 अंक के साथ बिहार ग्रुप में टॉप पर है। आइए जानते हैं टूर्नामेंट में अभी तक का बिहार का सफर। बिहार की टीम ने जीत से आगाज करते हुए अपने पहले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश की टीम को 18 रनों से हरा दिया। बिहार द्वारा जीत के लिए दिए गए 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अरुणाचल प्रदेश की टीम कप्तान आशुतोष अमन की फिरकी गेंदबाजी और सचिन कुमार सिंह जोड़ी के सामने असहज दिखी और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 104 रन ही बना सकी और बिहार में इस मैच को 18 रन से जीतकर अपने नाम कर लिया। बिहार की तरफ से गेंदबाज कप्तान आशुतोष अमन ने अपने 4 ओवरों में महज 17 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं सचिन कुमार सिंह ने 3, समर कादरी ने 1 और यादव ने 1 सफलताएं हासिल कर बिहार को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अपने दूसरे मुकाबले में बिहार ने सिक्किम की टीम को 8 विकेट से पराजित किया। सिक्किम के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 110 रनों का स्कोर खड़ा किया और बिहार के सामने जीत के लिए 111 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे बिहार की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और बिहार को ठोस शुरुआत दिलाई, जिसमें मंगल मेहरूर ने 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। तीसरे मुकाबले में बिहार की टीम ने मेघालय को 6 विकेट से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई। बिहार के कप्तान ने टॉस जीतकर मेघालय की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अपनी सधी हुई गेंदबाजी से बिहार ने मेघालय के बल्लेबाजों को चलने नहीं दिया और मेघालय की टीम अपने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर महज 82 रन ही बना सकी। शशीम राठौर के 33 और शकीबुल गनी के नाबाद 31 रन की बदौलत बिहार ने इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और इसी के साथ जीत का हैट्रिक लगाया। चौथे मुकाबले में बिहार ने मणिपुर की टीम को 9 विकेट से रौंदकर अपने विजय अभियान को जारी रखा। बिहार के कप्तान ने फिर से टॉस जीतकर विपक्ष को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और अपने उम्दा गेंदबाजी से मणिपुर की टीम को मात्र 106 रनों पर रोक दिया। इस लक्ष्य को बिहार की टीम ने 18वें ओवर में ही हासिल कर लिया। बिहार की तरफ से सलामी बल्लेबाज शशिम राठौर ने 40 गेंदों पर 60 रन जबकि बाबुल ने 39 गेंदों पर 31 रनों की सधी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह बिहार की टीम ये लगातार चौथी जीत रही और पूरे टूर्नामेंट में अपने सभी लीग मैच जीतकर अपराजित रहने वाली बिहार की टीम ग्रुप में शीर्ष पर कायम रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए बिहार की टीम को बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।